मूवी देखी है द ग्रिम्सी ब्रदर्स, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। फाइनली इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया। मूवी में वो सब कुछ है जो तुम अपनी फैमिली के साथ चेक नहीं कर सकते। ये एक कॉमेडी एक्शन मूवी है। चलिए बात करते हैं आपका इस मूवी पर कीमती टाइम देना सही भी रहेगा या नहीं रहेगा। इस मूवी में कहानी फोकस करती है एक नॉबी नाम के बंदे पर, जिसके पास जिंदगी में सब कुछ है, यानी कि ग्रिम्सी के इलाके में रहता है, जिसमें उसके भाई 11 बच्चे होते हैं और एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती है, यानी कि उसके पास सब कुछ होता है। एक चीज़ की ही कमी होती है, वो उसका भाई होता है जिसको वो 28 साल से ढूंढ रहा है। तो एक दिन उसे पता चलता है कि भाई उसका किधर है। तो भाई वो वहाँ पे जाता है, इसका जो कि भाई होता है वो MI6 एक एजेंट होता है जो कि बहुत ख़तरनाक टाइप का होता है। तो भैया जब वो काम कर रहा होता है तो ये उसके काम में दखल डालता है, जो कि काम होता है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो वो रॉन्ग काम होता है तो उसकी वजह से पूरी जो कि दुनिया होती है उस सेबेस्टियन यानी कि इस भाई के पीछे पड़ जाती है। अब दोनों भाइयों को भाई दुनिया को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है। तो उसके बाद खाने में क्या कुछ होगा उसी चीज़ को जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ता है। 1.5 घंटे के आसपास टाइम देना पड़ता है। तो इस मूवी में आपको क्रिटिक के रिव्यू सुनने की ज़रूरत ही नहीं है बॉस, क्योंकि इस मूवी में अगर बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकालोगे तो वो निकल सकती है। जैसे कि कुछ ऐसे एक्शन सीन्स हैं कि एक बंदे की टांग टूट जाती है फिर भी वो कहीं से, ऐसे मोमेंट्स इस मूवी में काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो उन चीज़ों को साइड पर रखने का, क्योंकि एक एडल्ट कॉमेडी मूवी है। तो कॉमेडी में की बात करो तो कॉमेडी तुम्हें जो कि ये नॉबी नाम का बंदा है इसने भर भर के तुम्हें हंसाना है भैया। किधर किधर होता है कि उनके डायलॉग वर्क नहीं करते, मोस्टली जगह पर इसके डायलॉग वर्क करते हैं। दूसरा चीज़ जिस इस मूवी का जो कि एक्शन है वो मेरे को काफ़ी तगड़ा लगा भाई। ज़बरदस्त सीन देखने मिलते हैं, जो कि उनकी कोरियोग्राफी है या विजुअल्स हैं काफ़ी ज़बरदस्त देखने मिलते हैं। शुरू में इस बंदे का जो कि MI6 हमें देखने मिलता है सेबेस्टियन, इसका एक सीन है भाई फाइटिंग सीन, जिसमें कि कैमरा उस पर लॉक किया होता है और वो फाइटिंग कर रहा सब, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो भाई वो सीन ही तुम्हें इस मूवी के साथ कनेक्ट कर लेगा। शुरू से एंड तक मेरे को किधर भी नहीं लगा कि इस मूवी ने मेरे को थोड़ा सा भी बोर किया है। तो एकदम मस्ट वॉच मूवी बनती है। तो इस मूवी को एक्शन लवर ज़रूर देखना। हिंदी डबिंग ठीक ठाक की गई। अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से तो 3 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं पर खत्म। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिल देंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।